एदा, मैं कैफे गया था। तो फिर सभी ने पहचान लिया मुझे। क्या सच में? और सब वहाँ पुरानी बातें लेके बैठ गए, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। देखो कोई बात है ये? अरे बंदा पहले दुआ सलाम करता है, उसके बाद बातचीत करता है। एदा का हंस हंस के मुंह दर्द करने लगा होगा। वैसे तो दिखने में आप हैंडसम है इब्राहिम साहब, लेकिन मजाक के मामले में वो आपसे दो हाथ आगे है, सच कह रही हूँ मैं। वहाँ पर सब उल्टी सीधी ही बातें कर रहे हैं। एक मिनट रुको अली, तुम आ गई वो? इबो, ये अली। शांति, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक। बैठो ना। अली इंजीनियर है और अपने एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और इबो जानवरों के डॉक्टर हैं, और हाँ इनका अपना क्लिनिक भी है। जबरदस्त। लेकिन एदा को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसे ये जानवरों से काफी डरती है। डर भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या तुम अभी तक कीड़े मकोड़ों से डरती हो? बहुत ही ज्यादा, और ये डर अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं माजरत खा हूँ, मैंने एदा को तुमसे मिलने के लिए कहा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यानी एदा के साथ गुजरा वक्त याद आ गया। अब तुम लोग सामने हो तो एक बात बता देता हूँ मैं, एदा अगर मुझे पसंद भी हो तो मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता। क्यों नहीं? इसलिए कि मेरी बीवी को बुरा लगेगा। यानी तुम में कोई मसला नहीं है एदा, लेकिन अगर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो उसे सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्या हम दोस्ती भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मेरी बीवी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, और सच बात तो ये है कि मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता। इसका आईक्यू लेवल चेक करो, कितना समझदार है। अपने दोस्तों की तरफ जाऊंगी। और रात को वहीं रुकूंगी। मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो बता देना। जरूरत नहीं है इसकी। अभी गुस्से में है, पर कम से कम जवाब तो दिया, यही काफी है। हाँ शायद। बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। ये रहा आपका कार्ड। मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलो एदा, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। ख्याल रखना और अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना। बिल्कुल। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
यकीन आ गया कि मेरे और अली के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है? ज्यादा ही आ गया है कुछ। क्या मतलब है इस बात का? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तो ये बात है। तुमने ठीक कहा था, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। ये सब मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए नहीं है। उम्मीद है तुम माफ कर दोगी। तो मैं तुम्हें हर हाल में पसंद हूँ ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी हो। शुक्रिया। शुक्रिया। बस इतना ही? तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? नहीं। ठीक है, समझ गया। सेलिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। देखो, परिंदों की तरह सारे बीज खा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक बेहतर नहीं हुई। तो तुम अपनी परेशानी हमें बता दो ना। तो अंगूठी कहाँ है? आह, मेरी सारी परेशानी की वजह वो अंगूठी है। क्यों पहनी थी मैंने वो? तुमने वो पहन ली? अच्छा सेलिन, ये बताओ, उसने तुमसे कैसे कहा? मतलब उसने कोई खास तैयारी की थी या फिर नहीं? नहीं ऐदा, वो तो बस बोलता गया। ये क्या, उसने कोई खास प्लान नहीं किया था? बताओ मुझे। हाँ, प्लान था जरूर। आरटीएम के शेयर्स खरीदे, उसने मैसेजेस किए और बहुत कुछ। तो मतलब अब क्या कोई मंगनी वगैरह का मामला है? हाँ हाँ, बदकिस्मती से। तो तुम खुश क्यों नहीं हो सेलिन? तुम्हारी पसंद के तो लड़के से मंगनी हुई है। क्या मेरी? हाँ? नहीं नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, एलूल की। क्या वाकई? मगर इतनी जल्दी कैसे? देखो तो जरा बुराक को। ये बुराक कहाँ से आ गया? दमीर से मंगनी हुई थी काफी अरसा पहले। क्या, ये कैसे और कब? सकस, कुछ नहीं खाया ना तुमने? तुम भी सारा दिन बंधे रहकर परेशान हो जाते होगे। मैं भी बहुत परेशान हूं। एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूं। हां, लेकिन उसे दुख नहीं दिया मैंने। जानते हो, मुझे मार भी पड़ी। और अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सकस, ये बताओ, सेलिन का गुस्सा कब ठंडा होगा? मेरा मतलब, क्या तुम जानते हो कि ऐसा कब तक चलता रहेगा आखिर? हाँ, देखो, ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना। हाँ, ये तूफान आसानी से नहीं जाएगा। तुम्हारा ये इम्तिहान लंबा होने वाला है दमीर, देख लेना। चलो आ जाओ सकिस, तुम्हारी ये रस्सी खोल देता हूं मैं। ओफ, सेलिन, देख रहे हो, अब तक घर नहीं आई हो। दमीर की किसे फिक्र है? पागल हो जाए भले, किसको फिक्र है? सकिस है ना इसके लिए। हाँ।
तमीर ने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब एलुल आई थी ऑफिस में, और एलुल ने भी तुमसे छुपाया? हाँ, उसे तो बताना चाहिए था। अब बहुत हो गया ना, एलुल बुरी औरत नहीं है, उसे तो बस दमीर से प्यार हुआ था, इसमें क्या है? मुझे गुस्सा किस बात पे है जानते हो तुम लोग? इस पे कि मैं उन्हें समझती हूँ। हाँ, उन्हें नहीं मालूम कि मेरी जान निकली जा रही है, और मैं उन्हें समझती हूँ। तो अब क्या होगा? दोस्तों, कुछ दिन यहीं रुकूंगी मैं, घर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या मतलब, दमीर से ताल्लुक खत्म कर रही हो? नहीं मर्फ, ऐसा नहीं है। उसके पास मुझे नहीं रहना, वो जब साथ होता है तो अजीब कैफियत होती है। दिल चाहता है उसके पास चली जाऊं मैं और उसे गले लगा लूं, उसे तसल्ली दूं कि सब ठीक हो जाएगा, मगर तकलीफ में मैं हूं, मुझे तसल्ली की जरूरत है। अच्छा, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो सलीन, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मगर मैं पहले घर जाऊंगी और अपने कपड़े लेकर आऊंगी मैं। सलीन, यहाँ सब कुछ है, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं होगा, मेरा मतलब है टूथब्रश, चप्पल, पजामा, वो सब जाके ले आती हूँ ना। रुको 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 रुको, कहाँ भागे जा रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओ ओ सिकस, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ बोलो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बांध कर नहीं गई होंगी ना, तो तुम भाग रही थी यहाँ से। अभी बताती हूँ। ओह, वैसे बहुत बुरी बात होती है, तुम्हें जरा सा खोल के रखे तुम पड़ोसियों के फूल खाना शुरू कर देती हो, बुरी बात है। और पता है ना तुम्हें, कुछ भी खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर मुझे तुम्हारे इबू भाई को बुलाना पड़ता है। रुको जरा, आप हो गया, एक मिनट। मैं जाते हुए तुम्हें उस जगह बांध कर गई थी ना, तुम्हें दमीर ने खोला था, तुम्हें आजाद कर दिया, तकलीफ में देखा होगा। उफ तमीर, काश मुझे भी आजाद कर सको। बहुत उलझा हुआ है दिमाग, अब क्या करूं मैं? तुम ही बताओ सिकस, क्या करना चाहिए मुझे? अब खाना खाओ, भागना मत, ठीक है? देखो मैं आ गई, ये जानते हुए भी कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गई। मुझे माफ कर दो दमीर, ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल है मेरे लिए। तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं आखिर यहां रुकी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम हर वक्त मेरे सामने रहोगे, और वो ज्यादा तकलीफ दे होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे और एलुल के बारे में सोचती रहूंगी। उम्मीद करती हूं कि मुझे समझोगे तुम।
सेलीन। नहीं जाओ, जाना जरूरी है मेरा। मत जाओ, रुक जाओ। सेलीन रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। दमीर, जाने दो मुझे। देखो मेरी बात सुनो एक बार, ठीक है? मैं जानता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मत जाओ, मेरी खातिर रुक जाओ। दमीर प्लीज जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो। सेलीन देखो ऐसे मत जाओ, आज रात मत जाओ, देखो खुदा के लिए रुक जाओ, चलो अंदर आओ। आ जाओ मेरे साथ। करनी तुमसे, बस जाना चाहती हूँ, तुमसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं। सोचने की जरूरत है मुझे, ये तभी मुमकिन है जब तुमसे दूर रहूंगी मैं। मुझे तुमसे दूर जाकर ही ये फैसला करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन इस तरह आधी रात को अकेला नहीं जाने दे सकता मैं। दमीर मुझे अकेले रहना है, समझा करो प्लीज। सेलीन मेरी बात सुनो, देखो और मुश्किल मत खड़ी करो हमारे लिए, बस मान जाओ मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा, तुम चाहे जहां जाना चाहती हो वहां छोड़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? टैक्सी वाला इंतजार कर, ठीक है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। माफी चाहता हूं, अब हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहीं रहना, मैं चाबी अंदर से लेकर आ रहा हूं, ठीक है?
शुक्रिया तुम्हारा यहाँ छोड़ने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। सिलीन तुम वापस आ गई? कहकर तो गई थी मैं कि घर से सामान लेकर वापस आ जाऊंगी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम लोगों को यकीन नहीं था मुझ पर? यानी हमें लगा तुम नहीं आओगी। उफ। हमें लगा कि तुम दमीर को देख के वापस नहीं आओगी यहाँ। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं रहते हो। हमें लगा कि गुस्से में कह रही हो तुम ये सब। हमें दूर होना होगा कुछ अरसे के लिए। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए घर से निकलना। दमीर मेरी आंखों में ही देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं? रोका था बहुत, लेकिन वो समझ गया कि मैं नहीं रुकूंगी। वो मुझे जानता है अच्छी तरह। उफ, बिखर कर रह गया है। सच कहूँ तो मैं भी अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कितने दुख में होंगे। देखो सलीन, वो तुम्हें बेहद चाहते हैं। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे तो ये देख के हैरानी हो रही है। वहां से निकलना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ना, समझ सकती हूँ। हाँ था मुश्किल। घर छोड़ना मुश्किल था मेरे लिए, और वही मुझे छोड़ कर गया है। कहाँ है वो? क्या चले गए? प्लीज सिलीन, उदास मत हो। मैं चाय बना कर लाती हूँ। सिलीन। अच्छा इबो, ये बताओ कहीं तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं, क्लिनिक बंद करके निकल ही रहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो सिलीन आई है, उसने घर छोड़ दिया है इबो। वो ठीक नहीं। क्या है? मतलब है तुम्हारा कि वो ठीक नहीं है? क्या उसने दमीर को छोड़ दिया? ये मुझे नहीं मालूम। इस बारे में मेरी बात नहीं हुई उससे। जहाँ तक मेरा ख्याल है दमीर भी ठीक नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि तुम निजात के साथ घर जाओ उनके। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। अब क्या हुआ? चलो बताओ अपने भाई को, अब किस बात पे नाराज कर दिया उसे? भाई, ऐदा की कॉल आई थी, सिलीन उसके घर पर है, दमीर से उसका झगड़ा हुआ है, मामला बिगड़ गया है, हमें दमीर के घर जाना चाहिए। अच्छा, आ रहा हूँ मैं, रखो फोन। सिलीन। हुँ? तुमने दमीर साहब को तो नहीं छोड़ा है ना, सिर्फ घर को छोड़ा है? हाँ। हाँ, और ये बात उन्हें पता है ना कि तुमने उन्हें नहीं छोड़ा? हाँ। मसला उसका जानना नहीं है, उसका एहसास है मुझे। इस वक्त बहुत मुश्किल में होगा वो। मगर क्या कर सकती हूँ, उससे दूर जाना जरूरी था। कुछ सोचना है मुझे। क्या? यही कि अलूल और दमीर के दरमियान कुछ है या नहीं। सलीन, अब ये मत करो प्लीज। ठीक है, उनकी मंगनी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब ये कि अब वो सब कुछ माजी था। तुम सही कह रही हो, माजी को याद करना बेवकूफी है। ऐदा, उस दिन हम सब कैफे गए थे, याद है? वहाँ कुछ महसूस किया था तुमने? अरे नहीं, वो तो बिल्कुल दोस्तों की तरह थे, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। ठीक है, अली को जिस वक्त छोड़ा था उस वक्त गुस्सा किया था या फिर उसे दोबारा देखकर कुछ महसूस किया था? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि माजी में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, अच्छा या बुरा, सब पीछे छूट जाता है, मगर उन दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए अभी भी वही है। यानी दमीर और एलुल, तुम्हें लगता है उन दोनों के दरमियान अब भी है कुछ? नहीं, मुझसे प्यार है दमीर को, मगर मैं जानना चाहती हूँ एलुल के लिए क्या जज्बात है उसके। कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसा कहता है वो, लेकिन मैं उसकी आंखों में गुस्सा देख सकती हूँ। वो बस माजी के जख्मों को किसी तरह भूलना चाहता है। देखो सिलीन, माजी के ताल्लुकात इसी तरह से खत्म होते हैं। लेकिन उन दोनों का ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, एलुल के जाने से कहानी अधूरी रह गई थी।
मगर उसकी यादें अभी भी बाकी हैं। गुस्से की आग में वो महसूस नहीं करता, बस मुझे खोने के डर से इनकार कर रहा है वो। इबो, दमीर अभी दुखी होगा। उसके साथ जो हुआ वो पहले भी हो चुका है। मामला थोड़ा हसास है, मुझे अकेले जाना चाहिए। जरूर भाई, क्यों नहीं, मैं यहीं बाहर हूं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, तुम सिलीन के काफी करीबी दोस्त हो ना? हाँ। आ जाओ, साथ ही चलते हैं। शायद तुम ये बता सको कि सिलीन क्या और क्यों कर रही है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, उसे ठीक करना जरूरी है हमारा, और ये काम मेरे अकेले का। हाँ ठीक है भाई। ये ऊपर की लाइट्स तो बंद हैं। उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही गुजरी है, तो इन रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा उसे। तुम बेल बजाओ, मैं वहां जाकर देखता हूँ। ठीक है। दमीर, दमीर, दमीर! मैंने डोरबेल बजाई लेकिन वो नहीं आया। और यहां पर भी कोई नहीं है, घर पे नहीं होगा। उन जगहों पर देखना पड़ेगा जहां वो अक्सर जाता है, हो सकता है वहीं गया हो जहां उस्ताद हम गए थे। नहीं, वहां पर नहीं। आप उसे बेहतर जानते हैं, इस हाल में वो कहां जा सकता है? नर्सरी में। या अल्लाह, जहन में ही नहीं आ रहा था। कॉल करता हूं मैं उसे, और अगर वहां हुआ तो बता देगा, देखते हैं। तुम्हें किसने बताया? ईबो ने बताया है मुझे, और इसी ने मुझे कॉल की थी। नर्सरी में हो गया? नहीं, बस आज मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अहमक मत बनो यार। ईबो और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, बताओ कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम वापस घर जाओ निजात, इतनी रात को अकेले मत घूमो तुम लोग। मैं ठीक हूँ, बाद में बात करते हैं। दमीर, कहा ना मैंने, बाद में बात करेंगे, फोन रखो अब। खैर छोड़ो, अब मैं आ गया हूं तो जानवरों को खाना दे ही देता हूं। हाँ इबो, बताओ क्या हुआ? क्या मतलब, घर पे नहीं है? कहाँ जा सकते हैं? क्या उन्हें कॉल की तुमने? कम से कम उन्हें इस वक्त तुम लोगों के साथ होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, शुक्रिया, खुदा हाफिज, गुड नाइट। देखो सिलीन, मैं दमीर साहब के लिए परेशान थी, और तुम्हारा हाल भी ठीक नहीं। मैंने निजात और ईबो से कहा था कि उन्हें इस वक्त बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, लेकिन वो इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता है ना? किसी से भी नहीं, और वो तो घर पर भी नहीं है। ईबो और निजात गए थे।